देश के विविध राजनीतिक पार्टियों द्वारा इंडिया आघाड़ी बनाई गई है और आज इनकी बैठक मुंबई में हो रही है। इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि परिवारवादी पार्टियों को ताला लगाने का कार्य नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ऐसी प्रतिक्रिया राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से आज नागपुर में पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर की गई। ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है। जो पार्टियां इनके परिवार की सेवा करती थी उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, और जो पूरे देश को परिवार समझकर देश की सेवा करते हैं ऐसे मोदी जी को देश स्वीकार रहा है। और इसी डर से ये सारे लोग एकत्रित आए हैं। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, इसलिए ये कितना भी प्रयास करे तब भी लोगों के मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार का कर्तृत्व, जिस प्रकार का नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया है और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण का एजेंडा इस देश में जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से गरीबी को दूर कर रहा है और जिस प्रकार से हमारा देश चांद की बुलंदियों को छू रहा है, लोगों के मन में मोदी जी है। ये लोग कितने भी यहाँ पर रहे, कितना भी यहाँ पर विचार विमर्श करे, लेकिन इनके पास मोदी जी के लिए न कोई तोड़ है न कोई नेता है। सबसे बड़ी बात यह है अभी तक 5 पार्टियां दावा कर चुकी है प्रधानमंत्री के पद पर, ये प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार तय ही नहीं कर सकते, और वैसे भी तय करके करेंगे क्या? इनका एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो जनता के मन में बस सके या जनता जिसको मन से चाहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मीडिया इवेंट हो रहा है और हम सब उसको देख रहे हैं।